ओके आपको मैं दिखाई दे रहा हूँ राइट? यस सर। ठीक है ओके तो इट्स ऑल राइट। आज हम लोग देखेंगे वो कनेक्शन है क्या, हम लोग कहां तक पहुंचे, फिजिक्स कितनी मतलब साइंस कितनी एडवांस हो चुकी है राइट। आप लोग ऑफकोर्स बहुत लोग इंटरेस्टेड होंगे एस्ट्रोफिजिक्स में राइट, कि एस्ट्रोफिजिक्स यूनिवर्स किस तरीके से वर्क करता है। ठीक है मैं जब अपने टाइम पर था तब मैं बहुत देखा करता था ब्लैक होल क्या है राइट, अर्थ में अर्थ किस तरीके से बेसिकली सन के अराउंड किस तरीके से रोटेट करता है, सन किस तरीके से वर्क करता है, ये सारी चीजें हम लोग देखा करते थे, ये सब एक्सप्लेन करता है फिजिक्स। ठीक है तो हम लोग आज पहला जो टॉपिक है, पहला जो चैप्टर है, जो लेक्चर है, वो मैंने रखा है कनेक्टिंग राइट। ओके ठीक है तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पूछूंगा कि वी हैव ऑलवेज आस्क्ड बिग क्वेश्चंस। ठीक है हम लोगों के दिमाग में हमेशा एक बिग क्वेश्चन आते रहते हैं। जब मैं छोटा था तो मेरे दिमाग में बहुत आते थे कि भाई ये जो स्टार्स हैं ये बेसिकली है क्या चीज। ठीक है राइट मैं अगर अपने गार्जियन से पूछा करता था मम्मी पापा से तो वो बोलते थे कि वो बता देते थे वो अपने जो उनके बिलीव है जो उनका बिलीव सिस्टम है राइट वो उस हिसाब से बताते थे कि वो स्टार्स बेसिकली है क्या। मैं सन के बारे में पूछता था सन बेसिकली है क्या तो बोलते थे वो तो सूर्य देवता है। क्लियर हिंदू बिलीफ क्लियर। तो इस तरीके से मैं उन सब चीजों बिलीव करता था। ठीक है मैं उस बिलीव को चैलेंज नहीं कर रहा हूं किसी भी तरीके से मैं चैलेंज नहीं करूंगा उस बिलीव को। क्लियर लेकिन यहां पर हम लोग केवल डिस्कस करेंगे उस बिलीव को जिसको हम लोग एविडेंस से प्रूव कर सकते हैं यानी फिजिक्स में। क्लियर ठीक है तो बेसिकली कैसे कैसे क्वेश्चन मेरे दिमाग में आते थे और शायद अभी और इससे पहले आपके दिमाग में कैसे कैसे क्वेश्चन आते होंगे। मेरे हिसाब से सबसे पहला क्वेश्चन आता होगा ये कि हाउ द यूनिवर्स वॉज क्रिएटेड, बेसिकली ये यूनिवर्स क्रिएट कैसे हुआ है राइट, हम लोग आए कहां कैसे यहां पर। क्लियर ये स्टार्स कैसे बना है, ये सन कैसे बना है, अर्थ कैसे फॉर्म हुआ है। क्लियर उसके बाद इज देयर एनी एलियन लाइफ राइट, ये दिमाग बहुत आता था कि हम लोग की तरह ही कोई और होगा क्या जो विजिट करेगा अर्थ को राइट, ये सब चीजें दिमाग में आती थी। अगर है तो बेसिकली है कहां पर। ओके थर्ड क्वेश्चन आता था हाउ द ह्यूमन लाइफ इवॉल्व ऑन द अर्थ, बेसिकली ह्यूमंस कैसे आए अर्थ पे। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा ह्यूमंस के बारे में कि बेसिकली हम लोग बोलते ना कि एलियन बाहर से आते हैं, तो एक थ्योरी ये भी है कि बेसिकली जो ह्यूमंस है या लाइफ है जो अर्थ पर वो बेसिकली एस्ट्रॉइड के थ्रू आई है। ठीक है एस्ट्रॉइड पे माइक्रोब्स थे जो ऑफ कोर्स जो सरवाइव कर सकते थे स्पेस के हार्श कंडीशंस को, तो वो बेसिकली एस्ट्रॉइड के थ्रू हम यहाँ पर आए हैं अर्थ पे और वहां से लाइफ जो है डेवलप हुई है राइट। यस सर थ्योरी है। ठीक है तो बेसिकली अगर देखा जाए तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि हम ही लोग एलियन है भाई, अर्थ पता हम ही लोग बाहर से आए ना, बोल देंगे हम ही एलियन है, उसमें क्या है। ठीक है हम एलियन की सर्च कर रहे थे और यहाँ पे क्या हो गया, हम ही एलियन निकल गए। ठीक है तो एक थ्योरी ये भी है राइट। ठीक है ओके तो पॉसिबिलिटी है इसकी भी। ठीक है और क्या क्या क्वेश्चन है कि व्हाई इट इज द वे इट इज, कि बेसिकली ये ऐसा ही क्यों है कि हमारा जो सन है वो बेसिकली ऐसे ही क्यों वर्क करता है, हमारा स्टार्स है वो इस तरीके से क्यों है, जो 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 पेड़ है जो ट्री है जो प्लांट्स है वो इस तरीके से क्यों उगते हैं, वो उसका जो लीव्स है वो ग्रीन ही क्यों होती है राइट। हमारे दिमाग में हमेशा कुछ ना कुछ आता रहता था। ठीक है अभी भी आता होगा, इन सारे क्वेश्चंस का आंसर हम लोग देखेंगे। ठीक है और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ठीक है हु केम फर्स्ट बताओ, मुर्गी आई कि अंडा आया पहले, मतलब ये तो हाँ कोई बताएगा यहाँ पर। सर सिचुएशन पे डिपेंड करता है, सिचुएशन पे डिपेंड करता है कैसे, चलो पहले तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं तो कैसे सिचुएशन पर डिपेंड करता है। यस आज बेसिकली मैंने डिस्कशन रखा है राइट, तो बेसिकली आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे सिचुएशन पर डिपेंड करेगा।
एग पहले आया, ओके। तो बेसिकली आप लोग मुझे प्राइवेट मैसेज भी कर सकते हो यहां से, ठीक है, एग आया कि हैन आया, राइट। चलो फिर मैं इसका एक एक्सप्लेनेशन दूंगा, ठीक है। चलो तो मैं किसी से भी पूछ सकता हूं यहां पर, तो मैं पूछता हूं रिद्देश, आपका क्या व्यू है? नहीं, अपना अपना व्यू रखा जाता ना, कल के दिन, कल के टाइम में आप भी एग पहले आया, ओके, ठीक है। पूर्णिमा, सब पहले हैन, क्या एग पहले आया? हैन 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 मुर्गी पहले आया, ओके। सबके सबके अपने अपने व्यू हैं, व्यू पॉइंट्स हैं, ओके। देखिए यहाँ पे कोई गलत नहीं है, यहाँ पे कोई गलत नहीं है। अगर आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा हो जाता है मेरा आंसर कुछ और हो, तो उस केस में बेसिकली होगा क्या ना, आप लोग फिर दिमाग में रखोगे कि यार ये क्या मैंने गलत बोले, ऐसा कुछ भी नहीं है, केवल डिस्कशन है, ठीक है। पहले मुझे भी कुछ नहीं आता था, राइट, सबको होता है, जो कभी ना कभी किसी को कुछ भी नहीं आता है, राइट। तो सब लोग, सब कोई जीरो से स्टार्ट करता है। तो चलो मैं बताना चालू करता हूं, ठीक है, ओके। तो बेसिकली आप ये बताओ, मैंने केवल एग की बात की, मैंने ये नहीं बोला कि किसका हैन का एग या किसी और का एग। हैन से पहले बेसिकली डायनासोर भी एग्जिस्ट करता था, डायनासोर भी तो एग ले करता था कि नहीं करता था, राइट। तो देखा तो एग पहले आया, सीधी सीधी बात है, ठीक है। और थ्योरी वाइज भी देखी जाए तो हम ये भी बोल सकते हैं कि चिकन का एग पहले आया कि चिकन पहले आया, तो इसमें भी मैं बोल सकता हूं कि जो चिकन है वो जो इसका एंसेस्टर बेसिकली है क्या, डायनासोर, ठीक है। अगर आप लोग को डायनासोर देखना है तो ये डायनासोर की प्रजाति का है, समझ रहे हो, डायनासोर से ही इवॉल्व हुआ है चिकन, ठीक है। तो आप लोग घर में जब भी चिकन बनेगा आप बोल सकते हो मैं डायनासोर खाने जा रहे हैं, ठीक है, ठीक है, तो बोल सकते हो, उसमें मतलब क्या ही बताया जाए, ठीक है। तो डायनासोर के पहले एग रहे होंगे, फिर वो धीरे धीरे इवॉल्व हुआ होगा चिकन की तरह, ठीक है। तो ये बोल सकते हैं कि तब भी एग ही पहले था, बोल सकते हैं इन दैट केस एज वेल, क्लियर, ओके, ठीक है। तो इसका आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर बहुत सारी चीजों को मिल गया है। चलो अब आगे आते हैं, हम लोग क्या करने वाले हैं इस पूरे ईयर, हम लोग करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू अनलॉक ऑल द सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स, क्लियर। अभी आप लोग, अभी जब मैं 9th 10th में था, पता है जब मैं डिस्कवरी देखता था तब बेसिकली मुझे आइडिया नहीं होता था बोलना क्या चाहते हैं, कई चीजें मेरे बाउंस होती थी, राइट। उसके बाद मैं 11th में आया, 11th में मैंने बहुत अच्छे से फिजिक्स पढ़ी, राइट, कि कोई चीज कैसे वर्क करती है, कोई चीज किस तरीके से हम लोग अप्रोच करेंगे किसी भी चीज को, राइट। तो इन सब चीजों को जब हम लोगों ने जब मैंने इस चीज को कनेक्ट किया, उसके बाद मुझे कनेक्शन पता चला कि बेसिकली कोई चीज कैसे वर्क करती है, क्लियर। तो बेसिकली 11th 12th में आप वो सारे कनेक्शंस पढ़ने वाले हो, जो बेसिक्स है सारे, समझ रहे हो, मोशन का बेसिक्स, राइट, मास का बेसिक, कि मास किस तरीके से बिहेव करता है जब उसमें फोर्स अप्लाई करते हैं, उसको बहुत डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं, बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग सब चीज पढ़ने वाले, धीरे धीरे हम लोग फिर उसको कनेक्ट करेंगे एक चीज से, ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग, ओके। तो एक चीज हम लोग जानते हैं कि बेसिकली हम लोग कोरोना वायरस पेंडेमिक से गुजर रहे हैं, राइट, कोविड 19 बोल सकते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल कोविड 19 बोल सकते हैं, ये WHO ने दिया है कोविड 19 नेम, ठीक है, छोड़ रहे हैं, दोस्तों हम डिस्कस नहीं करते, WHO को मैं मानता हूँ कि WHO ने काफी चीजें यहाँ पर निगलेक्ट किया है, ठीक है, तभी मैं उसका जो नाम है कोविड 19 वो मैं लेता नहीं हूँ, मैं सीधा कोरोना वायरस बोलता हूँ, ठीक है, क्योंकि आई एम नॉट मतलब WHO से मैं सहमत नहीं हूँ, सीधी सीधी बात ऐसी, समझ रहे हो आप, यस सर,
इसीलिए मैं केवल कोरोना वायरस बोलता हूँ, ठीक है, क्योंकि उसने बहुत सारी चीज नेग्लेक्ट किया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि बेसिकली कोरोना वायरस से हम लोग बहुत टाइम से डील कर रहे हैं, राइट। बहुत सारी चीजों में हम लोगों को प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ा है। देखा जाए तो कोरोना वायरस के पहले का जो वर्ल्ड है और कोरोना वायरस के बाद का जो वर्ल्ड होगा वो बहुत डिफरेंट होने वाला है, क्लियर। अभी आप लोगों को, आप लोग घर पे हैं, आप लोग बच्चे हैं, ठीक है, अभी आप लोगों को नहीं पता इसका इम्पैक्ट कितना पड़ने वाला है, किस तरीके से वर्क एक्चुअल जो भी वर्ल्ड है किस तरीके से वर्क करता है। बायोलॉजी में विषय पकड़ता है कोरोना। ओके ओके, तो ठीक है, गर्मी तो बहुत सारी चीज सिखा दी है। अब हम लोग देखेंगे कि बेसिकली जो साइंस है, साइंस को किन किन लोगों ने डेवलप किया है, ऐसे ऐसे ग्रेट पीपल जो हमेशा याद रहेंगे हम लोगों को, ठीक है। तो मैं आप लोगों में से ऐसी पर्सनालिटी को देखना चाहता हूँ, ठीक है, अब जो मैं दिखाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो इनको तो आप बचपन से ही जानते होंगे, आइंस्टाइन, एल्बर्ट आइंस्टाइन, यस, एल्बर्ट आइंस्टाइन को बेसिकली 19th century है, उनको मैन ऑफ द सेंचुरी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मैन ऑफ द सेंचुरी, मैन ऑफ द सेंचुरी। तो इन्होंने ऐसी ऐसी चीजों पे वर्क किया है जो इंसान आज भी नहीं समझ पाता है, इन्होंने ऐसी ऐसी चीजों पे वर्क 100 years चप्पल हासिल क्यों, हासिल भी नहीं, ठीक है, ठीक है, ओके। तो 100 साल पहले उन्होंने ऐसी चीजों पे वर्क कर दिया है जो आज तक कोई नहीं कर पाया, क्लियर, ठीक है। जैसे जैसे एक एक उनका वर्क है जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, शायद आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इन सब चीजों का थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा। जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में आप लोग जब डिस्कवरी ऑन करते होगे, नेशनल जियोग्राफी ऑन करते होगे, तो आप लोग देखते होगे कि वहां पे ब्लैक होल्स के बारे में बताया जा रहा है, स्टार्स के बारे में बताया जा रहा है, गैलेक्सीज के बारे में बताया जा रहा है। तो वो सब हम लोग एक्सप्लेन करते हैं जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से। आया समझ में? यस सर, ठीक है। हाँ, इसके बारे में अभी डिस्कस नहीं करने जा रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों ने, आप लोग में से बहुत सारे लोगों ने पढ़ा होगा, पढ़ा नहीं होगा मतलब देखा होगा मूवी इंटरस्टेलर, देखी है? Yes, नहीं देखी है? ओके अच्छा देखी है, गुड। तो देखो, अगर जब आप लोग उसमें देखते होगे, उसमें क्या, उसमें वो करता क्या है कि बेसिकली अर्थ से जाता है, ठीक है, ब्लैक होल के पास जाता है, कुछ काम करने जाता है ब्लैक होल के पास, ऑफकोर्स कुछ मेजरमेंट लेने जाता है। तो होता क्या है, जब वो ब्लैक होल के पास होता है ना, तो उसके लिए जो टाइम होता है वो बहुत ज्यादा स्लो, बहुत ज्यादा स्लो मूव कर रहा होता है। तो यहां पर उसके लिए कुछ मिनट होते हैं और अर्थ में कुछ साल हो जाते हैं, कई साल, 30-40 साल हो जाते हैं, समझ रहे हो? ऐसा होता है, आप लोग इसको बिलीव करो चाहे ना करो, ऐसा होता है कि उनके लिए एक मिनट हमारे लिए कितना, कई साल, ऐसा पॉसिबिलिटी है, राइट। तो ये सब किसमें आता है, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। आया समझ में? और ये सही में चीज है, आज साइंस इसी पे वर्क कर रही है, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे। और एक क्वांटम मैकेनिक्स है, क्वांटम मैकेनिक्स आप लोगों ने सुना होगा थोड़ा बहुत, राइट, जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं उनको क्वांटम मैकेनिक्स फोटॉन्स करता है, राइट, ठीक है। क्वांटम मैकेनिक्स हम, मैं नहीं जाऊंगा ज्यादा, नहीं तो आप लोगों का सर दर्द ना हो जाए, ठीक है, ओके। जाएंगे कभी ना कभी, ऑफकोर्स थोड़ा बहुत, ओके, यस सर। इसके बाद इनके बारे में भी आपने सुना होगा, आइज़ैक न्यूटन, सर आइज़ैक न्यूटन, यस, उन्होंने दिया था ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन जो थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन दिया था, आप लोगों ने थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन भी पढ़ा होगा। तो सर आइज़ैक न्यूटन भी वन ऑफ द यूनिक पीस थे अपने टाइम पर, अपने टाइम पर के आज भी हैं, राइट। इन्होंने जितना काम अकेले कर दिया ना, उतना बड़े बड़े साइंटिस्ट, ठीक है ना, मतलब ऐसा समझो जो बड़े बड़े साइंटिस्ट होते हैं ना, अगर आप 10 बड़े बड़े साइंटिस्ट को ले लो, जितने बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, उन सबका काम इन्होंने अकेले अपने दम पर किया, इतना ज्यादा इन्होंने काम किया, इतना
इतना परफेक्ट काम किया, राइट? इन्होंने कैलकुलस डेवलप किया. कैलकुलस मैथमेटिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. आप लोग पढ़ोगे, जितने भी मैथमेटिक्स है वो लोग पढ़ेंगे, बायो से जितने वो भी पढ़ेंगे, राइट? थोड़ा बहुत तो पढ़ेंगे ही. क्यों? कैलकुलस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? और मेरे हिसाब से मैथमेटिक्स से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. मैथमेटिक्स बेसिकली कनेक्शन है दोनों के बीच का, ठीक है? फिजिक्स और जो नेचर है उसके बीच का कनेक्शन है मैथमेटिक्स, राइट? ओके. इसके बाद हम लोग आते हैं, इनको बताओ, मैं नाम छुपा लेता हूं, देखते हैं कौन बताता है. नो वन. मैरी क्यूरी, शायद हाँ, या मैडम क्यूरी भी बोलते हैं, राइट? तो मैरी क्यूरी ने रेडियो एक्टिविटी पे वर्क किया. ये वन ऑफ द फ्यू साइंटिस्ट है, मेरे हिसाब से एक दो ही साइंटिस्ट होंगे ऐसे जिन्होंने दो नोबेल प्राइज जीते हैं, दो नोबेल प्राइज, ठीक है? आप बोलोगे सर आइंस्टाइन इतने महान थे तो उन्होंने क्यों नहीं जीते, न्यूटन इतने महान थे उन्होंने नोबेल प्राइज क्यों नहीं जीते. अब देखो न्यूटन का तो मैं तुरंत एक्सप्लेन कर दूंगा कि न्यूटन के केस में क्या होता था. न्यूटन जब न्यूटन थे हमारे आइजक न्यूटन, उस टाइम पर बेसिकली नहीं होता था नोबेल प्राइज. नोबेल प्राइज ये समझो किसी भी फील्ड का सबसे बड़ा अचीवमेंट माना जाता है. अगर कोई बोलेगा कि मुझे नोबेल मिला है फिजिक्स में, तो उसका मतलब है कि उसने फिजिक्स की सबसे हाईएस्ट रैंकिंग पाई है, समझ रहे हो? सबसे हाईएस्ट चीज को टच किया है, ठीक है? ऐसा आप इसको इमेजिन कर सकते हो, ठीक है? तो बेसिकली नोबेल, और अब आप बोलोगे अल्बर्ट, जो हमारे आइंस्टाइन है, अल्बर्ट आइंस्टाइन, उनको क्यों नहीं मिला है नोबेल? तो बेसिकली उनके केस में मैं सीधा ये बोलूंगा कि जो नोबेल प्राइज होता है ना, उसके उनके टाइम पर था नोबेल प्राइज, लेकिन जो नोबेल प्राइज होता है वो किसी भी एक फील्ड को केवल एक ही मिल सकता है. यानी फिजिक्स में जिसने नोबेल प्राइज एक बार पा लिया, अब वो दोबारा फिजिक्स में नहीं पा सकता, वो चाहे जितना अच्छा वर्क कर ले, ठीक है? तो उनको केवल एक ही चीज के लिए नोबेल प्राइज मिला है, ठीक है? वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. यहां पे मैंने लिखा भी हुआ है, ठीक है? नहीं, आइंस्टाइन के केस में मैंने लिखा हुआ है कि उन्हें मिला है बेसिकली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए नोबेल प्राइज, ये, एंड वॉन द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1921 फॉर हिज एक्सप्लेनेशन ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है ये हम लोग आगे जानेंगे, ठीक है? इमिशन ऑफ फोटो. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बेसिकली क्यों इंपॉर्टेंट है पता है? क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक ऐसी थ्योरी थी जो उन्होंने एक्सप्लेन किया था, उस समय तक अनएक्सप्लेन थी, कोई एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, बड़े बड़े साइंटिस्ट एक्सप्लेन नहीं कर पाए, लेकिन इन्होंने जब एक्सप्लेन किया तो वहां से एक नई फील्ड जो साइंस की फील्ड है वो वहां से बहुत तेजी से राइज किया, और वो फील्ड थी क्वांटम मैकेनिक्स, राइस, ठीक है? आज जो सबसे बड़ी थ्योरी है फिजिक्स वो है क्वांटम मैकेनिक्स. तो उसकी शुरुआत हुई वहां से, जो जिस तरीके से इन्होंने एक्सप्लेन किया. इसके बाद जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बात ही अलग है, राइट? तो बेसिकली उनको एक बार मिल सकता था, और जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी प्रूव कर दी थी इन्होंने, लेकिन बेसिकली बात यहां पर यह थी कि उनको केवल एक के लिए मिल सकता था, राइट? तो उनको मिल गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए नहीं मिला. समझ में आ गया, ठीक है? ओके. हम लोग मैरी क्यूरी yes, में थे. हम लोग मैरी क्यूरी जी के पास थे, ठीक है? ओके. अब देखो ध्यान से, वैसे आप लोग कभी भी अगर इंस्टीट्यूट आओगे तो आप लोग देखोगे कि यहाँ पर इंस्टीट्यूट में क्लास में मैरी क्यूरी की फोटो लगी हुई है, समझ रहे हो? वॉल्स पर, ठीक है? क्लास में लगी हुई है मैरी क्यूरी की फोटो, ठीक है? आइंस्टाइन की फोटो लगी हुई क्लास में, तो दैट्स अनदर थिंग, ठीक है? ठीक है, कभी आना घूमने, ठीक है? ओके, ठीक है, ओके.
तो मैरी क्यूरी ने बहुत बड़ा वर्क किया, उनको बेसिकली दो नोबेल प्राइज मिले, एक फिजिक्स में एक केमिस्ट्री में, राइट। आज जितनी आज जो भी रेडियो एक्टिविटी के बारे में जितनी नॉलेज हम लोग के पास है, आप लोग देखते हो कि न्यूक्लियर रिएक्टर से हम लोग एनर्जी ले रहे हैं। आजकल आजकल जो जो एटम बम जो आप बोलते नहीं है कि न्यूक्लियर बॉम्ब जो बने हुए हैं, जिसको हम लोग एटम बम भी बोलते हैं, तो बेसिकली वो जो डेवलप हुआ है वो सब इनकी स्टडी के बाद, इन्होंने उसको बहुत डीपली स्टडी किया था, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जानते हो, यूरेनियम, रेडियम, थोरियम, राइट, प्लूटोनियम, ये सब रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। तो उन्होंने रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, उसको एक्सप्लेन किया था, क्लियर? ओके, यस सर। अब मैं आता हूं, अब मैं ऑफ कोर्स आऊंगा। देखो, हमेशा ध्यान रखना कि केवल सिर्फ जो उसको डिस्कवर करता है वो इंपॉर्टेंट नहीं होता है, इंपॉर्टेंट वो भी होता है, इंपॉर्टेंट वो और ज्यादा कई बार हो जाता है जो उसको आगे उसको यूज करके उसको दुनिया के लिए एक्सप्लोर करने के लिए ओपन कर देता है, ठीक है। वो होते हैं हमारे एंटरप्रेन्योर। क्या होते हैं? एंटरप्रेन्योर, राइट। बोलते बिजनेसमैन, ठीक है, बिजनेसमैन बोल सकते हो, लेकिन मैं एंटरप्रेन्योर बोलना ज्यादा अच्छा करूंगा, ठीक है, या बोलूंगा विजनरीज, ठीक है, जो विजन रखते हैं आगे दुनिया को कुछ देने का। तो उनमें से एक है हमारे एलोन मस्क, इनके बारे में आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है, इनको रॉकेट मैन भी बोलते हैं, राइट। एलोन मस्क का भी पोस्टर आपको क्लास में यहाँ देखने को मिल सकता है, मिलेगा भी, ठीक है, लगा हुआ है, राइट, मेरे सामने लगा हुआ है, ठीक है, ओके। तो बेसिकली इनके बारे में आप पढ़ोगे कि इन्होंने स्पेस एक्स, अच्छा आज जो आप देखते हो पेटीएम, ठीक है, पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, इसकी शुरुआत किसने किया? एलोन मस्क, ठीक है, ठीक है। पेटीएम को बेसिकली इन्होंने सबसे पहले जो कंपनी अपनी लॉन्च किया था वो था पेपाल, पेपाल, राइट। उसके बाद ये ऑनलाइन जो ऑनलाइन जो हम लोग करेंसी, नॉट जस्ट करेंसी, जो जो भी ऑनलाइन मनी है, ठीक है, उसको एक जगह से दूसरी जगह हम लोग इजिली ट्रांसफर कर सकते थे इनके थ्रू, ठीक है, पेपाल के थ्रू। तो उसी चीज को कॉपी किया पेटीएम ने, राइट, उसी चीज को फिर आगे बिटकॉइन ने कॉपी किया। बिटकॉइन आपने सुना होगा, ठीक है, करेंसी है, ठीक है, क्रिप्टो करेंसी, ओके। तो सबसे पहली कंपनी तो उन्होंने पेपाल, उसके बाद टेस्ला, टेस्ला आप लोगों ने सुना होगा, इलेक्ट्रिक कार, बहुत लोग की ड्रीम कार भी होगी, होगी कि नहीं होगी? हाँ, मुझे पता है आप लोगों ने बहुत लोग परचेज भी करोगे, ठीक है। उसके बाद इन्होंने स्पेस एक्स आज वर्ल्ड की सबसे बड़ी प्राइवेट स्पेस एक्सप्लोरेशन कंपनी है, राइट। उसके बाद आप लोगों ने स्पेस एक्स है, ठीक है, इसके बाद बहुत सारे इनके और भी कंपनीज है, ठीक है, जैसे एक है द बोरिंग कंपनी, राइट, उसमें से एक है हाइपर लूप, हाइपर लूप कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया, हाइपर लूप। आज जो सबसे फास्टेस्ट जो हमारी ट्रेन है, कितनी फास्ट करती है? 300, 360 बुलेट ट्रेन, उससे थ्री टाइम फास्टर इन्होंने एक पूरा कंसेप्ट डेवलप किया हुआ है, उस पर वर्क चल रहा है, इंडिया में भी हाइपर लूप पर वर्क चल रहा है। मैं लिख के बता देता हूं इस चीज पर, मैं बोलूंगा हाइपर लूप, ठीक है। इसमें क्या है कि अर्थ के अंदर टनल्स को बेसिकली, टनल्स में हम लोग जितनी भी एयर है सबको हम लोग क्या कर देंगे, सबको पंप आउट कर लेंगे, राइट, वैक्यूम क्रिएट करेंगे, और उस वैक्यूम के बीचों बीच हमारा एक कैप्सूल टाइप में होगा, बड़ा कैप्सूल होगा जिसमें हम लोग बैठ सकते हैं, बस टाइप का,
तो वो कैप्सूल बेसिकली लगभग 900 किलोमीटर पर आवर से लेकर 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में मूव करेगा। वो भी पता है क्या, वो भी कैसे, जो कैप्सूल होगा वो चारों तरफ से मैग्नेट के थ्रू बैलेंस होगा, मैग्नेट से। तो बेसिकली किसी के कांटेक्ट में नहीं है और एयर भी रोकने वाला नहीं है, तो सोचो कितनी तेजी से चल सकता है कि नहीं है, राइट? उसको बोलते हैं मैग्नेटिक लेविटेट करके, ठीक है, मतलब बीच में से तैरा कर, ठीक है, और ये बहुत तेजी से मूव कर सकता है। ओके, तो हाइपरलूप का कंसेप्ट भी आप लोगों को समझ में आ गया थोड़ा बहुत, ठीक है। तो मतलब इनकी मैं क्या ही बात करूं, इनके बारे में कभी आप पढ़ोगे तो आप भी देखते रह जाओगे, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट हमारे आएंगे, नेक्स्ट एक ऐसी पर्सनालिटी है जो जिनकी वजह से आप मुझसे कनेक्ट हो पाए हो आज, जिसकी वजह से स्टीव जॉब्स, एग्जैक्टली, ठीक है, मैं बात कर रहा हूं स्टीव जॉब्स, राइट? आज जो पर्सनल कंप्यूटर का जो रिवॉल्यूशन आया है, वो किस पर्सन को हम लोगों को श्रेय देना चाहिए? स्टीव जॉब्स, राइट? आज जो भी टेक्नोलॉजी आप लोग यूज कर रहे हो, जो कनेक्शन है हम लोगों के बीच में, वो स्टीव जॉब की वजह से, ठीक है। अदरवाइज अगर ये ना होते तो हो सकता था कि आज भी हम लोग वही घिसे पिटे वो फोन होता नहीं, वो घिसे पिटे फोन में हम लोग ब्लैक एंड व्हाइट फोन में अभी भी क्या पता वर्क कर रहे होते, लेकिन इनकी वजह से बेसिकली आज हम लोग इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि हम लोग आज देखिए ऐसे बैठे हैं। आज हम लोग ये टेक्नोलॉजी बेसिकली कुछ लगती नहीं है, लगता है यार ये तो ऐसा ही है, ठीक है, लेकिन आप लोगों को आइडिया नहीं है कि बेसिकली ये यहां तक पहुंचने के लिए लगभग 50-60 ईयर्स लगे हैं इस टेक्नोलॉजी को, जिस टेक्नोलॉजी के आजकल हम लोग इज्जत नहीं करते हैं, राइट? We have no respect for this technology, right? लेकिन आप लोगों को समझना चाहिए कि यहां तक पहुंचने के लिए हम लोगों को 50-60 years लग गए। इतना ज्यादा, लगभग thousands of people ने हर रोज work किया इस पर, तब जाके आज हम लोग इस condition पे पहुंचे हैं। तो आप लोग समझ रहे होंगे कि कितना ज्यादा इस पर वर्क हुआ होगा, कितना ज्यादा टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी है, ठीक है। ओके, तो सीधी सीधी बात है, ये को-फाउंडर थे एप्पल कंप्यूटर के, एप्पल, ठीक है, जो आप लोग का बहुत मोस्ट ऑफ द पीपल का फेवरेट फोन और कंप्यूटर होगा, लैपटॉप, आईओएस, आईफोन और मैकबुक, आईमैक, राइट? तो होगा आप लोग के पास भी बहुत जल्दी, ठीक है। ओके, बहुत लोग पास होगा भी, मुझे पता है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, इनकी पर्सनालिटी बेसिकली अपने आप में बहुत अलग थी, ठीक है। इनके बारे में कभी आप पढ़ना या YouTube में देखना, आप खुद अपने आप इंस्पायर हो जाओगे। और मैं सर, मेरे पास बुक है स्टीव जॉब्स के ऊपर, वेरी गुड, ठीक है। वाल्टर आइजैक्सन, क्या नाम है इनके जो ऑथर है, ठीक है, आइजैक्सन वाल्टर करके कुछ है, मैंने भी पढ़ी है, ठीक है, इतनी मोटी है, ठीक है, 700 पेजेस के आसपास शायद है, ठीक है। और yes, बहुत बहुत ज्यादा मैं इनसे इंप्रेस हुआ था, बहुत ज्यादा कनेक्ट हो गया था, समझ रहे हो आप लोग? तो एक अलग लेवल का कनेक्शन है, और मेरा आप लोगों से एक एडवाइस मैं आपको देना चाहूंगा, राइट? हम लोग बोलते हैं ना, हमारे घर में बोलते हैं, मतलब कोई बोलता है, हमारा फ्रेंड बोलता है कि हम लोग स्टीव जॉब की तरह बनना चाहते हैं, एलोन मस्क की तरह बनना चाहते हैं, न्यूटन की तरह बनना चाहते हैं, आइंस्टाइन की तरह बनना चाहते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम जी की तरह बनना चाहते हैं, अभी आएंगे आगे, राइट? लेकिन क्या हम लोग सीरियसली, आप बताइए, हम लोग उनकी तरह बनना चाहते हैं, लेकिन क्या हम लोग उनसे कनेक्ट हुए, हम लोगों ने क्या उनकी बुक पढ़ी है या उनके बारे में कभी भी बायोग्राफी देखी है कि वो कैसे थे, उनकी पर्सनालिटी क्या थी, बताओ? मोस्टली मोस्ट लोगों ने, मतलब मोस्टली कोई भी नहीं देखता है, ठीक है।
तो बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि कॉलेज में या स्कूल में बच्चों को ये पढ़ाना चाहिए, जितने भी पीपल हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ जितना मैंने सेलेक्ट किया वही ग्रेट पीपल है, ग्रेट पीपल बहुत सारे हैं, ठीक है। सर कंग्रेचुलेशन था सर, हाँ स्टीव जॉब्स का बहुत, क्या आपने पढ़ा है? हाँ सर, यस यस एग्जैक्टली, और आप इंस्पायर हुए होंगे उनसे, राइट? यस सर एग्जैक्टली। तो सेम चीज मेरे हिसाब से आप लोगों को भी इंस्पायर होने की जरूरत है, ठीक है। उनकी पर्सनालिटी क्या थी, वो किस तरीके से सोचते थे, राइट? उनके सोचने का तरीका अलग होता था। हम लोग कोई चीज देखेंगे तो हम लोग देखेंगे अच्छा ये कोई चीज है, लेकिन वो जब देखते तो लगता था वो किसी अलग तरीके से देखते थे, उनका उनका व्यू ही अलग था, क्लियर। तो हम लोग भी, और मैं चाहता हूं आप लोगों का भी ऐसा ही व्यू हो, ठीक है भाई। सब लोग तो ऐसे नहीं हो सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग क्या है अभी सीरियस है, बाद में कम सीरियस हो जाएंगे, लेकिन फ्यूचर में मैं चाहूंगा, ठीक है, जितने लोग भी सीरियस हो एक्सट्रीम लेवल पर हो। यस सर, ओके। इसके बाद हम सबके फेवरेट मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, एग्जैक्टली राइट। तो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी हैं, ठीक है। इन्होंने क्या क्या वर्क किया है अब मैं क्या ही बताऊं आपको, राइट? इंडिया के लिए, इंडिया की जो जो इस समय इसरो है, इसरो आप लोग देखते हो कि नासा के बाद हम लोग इसरो को ही काउंट करते हैं आजकल, करते हैं, तो इनमें इनका बहुत बड़ा हाथ है, समझ रहे हो आप? जो इसरो ने आज जो मुकाम हासिल किया, मैं ये नहीं कह रहा हूं अकेला इनका हाथ है, लेकिन इनका बहुत बड़ा हाथ है, वन ऑफ द। आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने शायद मूवी देखी होगी परमाणु, यस राइट। उसमें जो बेसिकली हमारा जो न्यूक्लियर टेस्ट था, परमाणु का टेस्ट था, वो फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट इनके अंडर में हुआ था, ठीक है। तब जाके इंडिया आज न्यूक्लियर पावर बना है, ठीक है। इन्होंने और बहुत सारे काम किए हैं, जैसे एक एक, एक, एक मैं एग्जांपल बताता हूँ, ऐसे बहुत सारे काम है, केवल एक एग्जांपल मैं बताता हूँ। जैसे ब्रह्मोस मिसाइल इन्होंने बनाई है, उन्होंने ब्रह्मोस मिसाइल बनाई थी, तो ब्रह्मोस मिसाइल का जो बेसिकली जो तोड़ है वो आज यूएस के पास भी नहीं है, ये समझो, ठीक है। जब तक ब्रह्मोस और बड़े बड़े जो बड़े बड़े लोग हैं उनका कहना है कि जब तक ब्रह्मोस मिसाइल हम लोग के पास है, ठीक है सर, इन पर एक मूवी भी बनी थी, यस कलाम, यस 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 बनी थी, ठीक है। इनकी इनकी मैंने बुक भी पढ़ी है, मैंने इनकी पढ़ी है, ठीक है। स्टीव जॉब क्या नाम है, स्टीव जॉब की पढ़ी है, राइट। मैंने अल्बर्ट आइंस्टाइन की चीज देखी है, ये कैसे क्या है, इलोन मस्क की पढ़ी है, न्यूटन के बारे में देखा है, ठीक है, हाँ, मैरी क्यूरी के बारे में भी मैंने देखा है, और स्टीव जॉब के बारे में भी, मतलब देखा जाए तो मैं इन सबको आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूँ क्योंकि मैं इनके बारे में जानता हूँ, ठीक है। जिन जिनको मैं जानता हूँ वो मैं आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अदर लोग, बहुत सारे लोग ग्रेट नहीं होंगे, बहुत सारे लोग और भी ग्रेट होंगे, राइट, लेकिन मैं जो मेरा पर्सनल व्यू है मैं उनको आपके सामने रख रहा हूँ, ठीक है, ओके ओके, ठीक है। सो अब हम लोग बेसिकली वीडियो देखने वाले हैं, ठीक है, एक ऐसा वीडियो देखेंगे जो बेसिकली हम लोगों को मोटिवेट कर देगा, मोटिवेट करेगा, मोटिवेट नहीं, मोटिवेशन वीडियो मैं कभी नहीं दिखाता हूं, ठीक है, हाँ दिखा सकता हूं ऐसा नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं आप लोग सेल्फ मोटिवेट हो, राइट। मैं अगर yes, चलेगा ना, हाँ यस, द नोन यूनिवर्स, इसका नाम है द नोन यूनिवर्स। अभी तक हम लोग कितना जानते हैं यूनिवर्स को, ठीक है, उसके बारे में बताएगा, ठीक है। अभी तक साइंस ने कितना जाना है यूनिवर्स को, बस एक छोटा सा वीडियो है, तो चलेगा कि नहीं चलेगा पहले तो बताओ, चलेगा कैसे नहीं, ठीक है, द नोन यूनिवर्स।
ये हिमालय है। तिब्बत तिब्बत ये देखो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स अब देखो इसको आगे बढ़ाने से पहले मैं एक चीज आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा ठीक है छोटी सी चीज अगर यहाँ पे क्योंकि हमारा यूनिवर्स बहुत बड़ा है राइट वहां पे डिस्टेंस हम लोग बेसिकली किलोमीटर मीटर में मेजर नहीं करते हैं वहां पे मेजर करते हैं लाइट ईयर्स लाइट सेकेंड लाइट ईयर्स में बेसिकली लाइट के रेस्पेक्ट में जो सबसे फास्टेस्ट नोन थिंग है टू अस वो है लाइट और लाइट की स्पीड हमें पता है कितनी होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड 9.46 × 10^15 नहीं नहीं वो 3 लाख किलोमीटर पर अच्छा आप उसकी बात करें किलोमीटर की राइट यस सर एग्जैक्टली ठीक है हाँ किलोमीटर में अगर बात करो वन ईयर में कितना चलेगा तो ये ठीक है हाँ देखो अगर हम लोग बात करें एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी यूज करते ना हाँ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी यूज करते हैं जो बेसिकली कि हमारा जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है कि सन से लेकर अर्थ की क्या डिस्टेंस है उसको हम लोग बोलते हैं 1 AU 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ठीक है और अगर मैं बोलता हूं कि जुपिटर 10 AU पर है यानी 10 टाइम्स जितना सन और अर्थ के बीच में डिस्टेंस है उतना सन से दूरी ऐसा बोल सकते समझ में आया ठीक है यस सर तो बेसिकली हम लोग यहां पे पढ़ने वाले हैं क्या हम लोग यहां पे चीजें देखने वाले हैं लाइट ईयर्स में लाइट सेकंड में लाइट सेकंड बोलेगा यानी लाइट एक सेकंड में कितना चलेगी एक सेकंड में कितना चलती थी 3 लाख किलोमीटर पर 3 लाख किलोमीटर अगर मैं ईयर में बात करता हूं तो मैं क्या बात कर रहा हूं कि एक साल में लाइट कितना चलेगी ठीक है आप लोग खुद ही दिमाग लगा सकते हो कि एक सेकंड में लाइट अगर 3 लाख किलोमीटर चल रही है तो एक ईयर में कितना चलेगी समझ सकते हो ना बहुत ज्यादा ठीक है अब आप लोग देखो यहां पर जो यूनिवर्स है ना वहां 1 लाइट ईयर 2 लाइट ईयर में भी बात नहीं होती है वहां बात होती है 1000 लाइट ईयर 1 मिलियन लाइट ईयर राइट ठीक है लाख मतलब 100,000 लाइट ईयर इस तरीके से बात होती है आप समझ सकते हो कि लाइट को पहुंचने में अगर 1 लाख साल लगेगा 100,000 लाइट ईयर मतलब लाइट को पहुंचने में 1 साल लगे मतलब सॉरी 1 लाख साल लगेगा तो हम लोग कब पहुंचेंगे फिर हम लोग का तो हो चुका ठीक है लाइट को हमारे नियरेस्ट स्टार तक पहुंचने में सन के पास जो सबसे नियरेस्ट स्टार है वो बेसिकली 4 लाइट ईयर दूर है कितनी लगभग एग्जैक्ट 4.2 के आसपास है तो लाइट को पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है 4 ईयर और आप लोगों को पता है कि बेसिकली हम लोग अगर रॉकेट से जाएंगे जो हमारा फास्टेस्ट रॉकेट है उससे अगर हम लोग जाएंगे तो पता है कितना टाइम लगेगा 50,000 ईयर समझ में आ गया और आज तक हम लोगों ने कितना कवर किया पता है आज तक हम लोगों ने कितना लाइट मतलब कितना लाइट की डिस्टेंस ट्रेवल किया पता है जितना लाइट एक सेकंड में जाती है केवल मून तक लाइट लगभग 1.2 सेकंड के आसपास जाती है तो आप समझ सकते हो केवल आज तक हम लोग उतने ही गए हैं ह्यूमन जो गया है ह्यूमन वो बेसिकली मून तक ही गया है तो केवल 1.2 लाइट सेकेंड तक गया हो मतलब अभी तो लाइट ईयर की बात ही नहीं कर रहा हूं मैं ठीक है तो ये इस वीडियो को मैं जल्दी से फिनिश करता हूं और बाकी चीज आप लोग इसमें देखना
वन डे, यहाँ लिख के आ रहा है कि यहाँ लाइट वन डे में पहुंचेगी ऐसे में। एक साल में वन लाइट ईयर हम लोग पहुंच चुके हैं। सेवेंटी इयर्स, और ये है हमारी मिल्की वे गैलेक्सी। वापस जा रहे हैं हम लोग। ओके, तो आप लोग समझ गए होंगे कि हमारा यूनिवर्स कितना छोटा है, है ना, बहुत छोटा है, राइट? यस, अभी भी मतलब छोटा है, बहुत बड़ा है। यस एग्जैक्टली, हम लोग की इमेजिनेशन से बहुत आगे है, राइट? हम लोग जितना इमेजिनेशन भी नहीं कर पाते हैं, ठीक है? तो अभी इतना सारा चीज एक्सप्लोर करना है, राइट? हम लोगों की जो गैलेक्सी है मिल्की वे, उसमें लगभग 100 बिलियन स्टार्स हैं, सन जैसे, सन से भी बड़े बड़े, बल्कि कई तो 100 बिलियन मतलब होता है 1 अरब, यानी 1 खरब स्टार्स हैं, ठीक है? उसमें प्लैनेट्स भी होंगे, राइट? हो सकता है उसमें अर्थ लाइक प्लैनेट्स भी बहुत सारे होंगे, है ना? इसी तरीके से
अभी तो मैं एक एक गैलेक्सी की बात कर रहा हूं, इसी तरीके से पूरे यूनिवर्स में अभी तक जो हम लोगों ने मैप किया है वो 100 बिलियन गैलेक्सी से ज्यादा है। 100 बिलियन यानी 1 खरब गैलेक्सीज भी हैं, समझ रहे हो? तो आप खुद समझ सकते हो। मुझे इसके आगे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि आप लोगों को कितना वर्क करना है, आप लोगों को फील होना चाहिए अपने, ठीक है, अभी कितना वर्क करना बाकी है, ठीक है, आप कितने बड़े होप हो, राइट? तो अपने टैलेंट को ऐसे वेस्ट नहीं जाने देना है, समझ में आ गया? यस सर, एग्जैक्टली, ठीक है। तो हम लोग को इतना पता चल गया है, ठीक है, बहुत सारी पॉसिबिलिटी है। अभी तक मैंने बोला इतना मुझे मैप, जितना मैप किया है तो अभी तक तो हम लोग को ये भी नहीं पता है कि कितना बड़ा यूनिवर्स है। अभी तक जितना मैप किया है उतना है केवल, हो सकता है कि हम लोग ने जितना मैप किया हो वो बेसिकली खुद वो तो कुछ भी ना हो, जितना बड़ा यूनिवर्स है उसके आगे वो कुछ भी ना हो जितना अभी तक हम लोग ने ऑब्जर्व किया है, ठीक है, एक लिमिट तक ही हम लोग। हाँ बताइए। हाँ राइट, तो और इसी तरीके से एक और थ्योरी है मल्टीवर्स, मल्टी यूनिवर्स, यानी जिस तरीके से एक यूनिवर्स है उस तरीके से कई और यूनिवर्सेस हैं। आप कहोगे सर क्या दिमाग दर्द करने लगा, ऐसा नहीं है, दिमाग ने मत दर्द कराओ, ठीक है। तो बेसिकली आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या बात कर रहा हूं, ठीक है, ओके। हा, मुझसे पूछा है फिजिक्स इतना टफ क्यों होता है, फिजिक्स बिल्कुल टफ नहीं है, बिल्कुल भी। सबसे इंटरेस्टिंग जो मैं, मतलब मेरा व्यू है ऐसा, ठीक है, सारे टीचर बोलेंगे कि सबसे इंटरेस्टिंग उनका सब्जेक्ट है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है सबसे इंटरेस्टिंग फिजिक्स है, समझ रहे हो? अभी आपने एलोन मस्क को देखा, एलोन मस्क ने, ये मास्टर है फिजिक्स से, समझ रहे हो आप, तब जाके इतने बड़े इंसान बने हैं, ठीक है, क्लियर? तो मैं क्या बोलूं, इसके आगे मैं कुछ बोल नहीं सकता हूं, ठीक है, इसके आगे अब आप खुद ही समझ जाओ कि आप लोग को एलोन मस्क जैसा बनना है कि नहीं। बाकी भी बड़े बड़े फील्ड में होते हैं, ठीक है, मैं उनका बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन ठीक है, फिजिक्स सबसे इंटरेस्टिंग है मुझे लगता है। बाकी बाकी सारे जितने भी टीचर्स होंगे उनका अपना पर्सनल व्यू अलग भी होगा, ठीक है, मैं उनका व्यू है वो अपना है, मैं उनकी उनकी भी रेस्पेक्ट करता हूँ, उनके व्यू की, ठीक है, ओके। तो आप देखो ध्यान से, हम लोग की शुरुआत कैसे हुई थी पता है? बिग बैंग थ्योरी, एग्जैक्टली, ठीक है ना, हम लोग जो बोलते हैं कि हम लोगों की यस एग्जैक्टली, आप लोगों को अपनी इमेज क्रिएट करनी पड़ेगी, राइट? और इमेज क्रिएट करने के लिए सबसे पहले खुद को, खुद का जो सोच है, जो सोचने का तरीका है वो चेंज करना पड़ेगा, और नॉलेज अपने अंदर जितना अच्छा हो सकता है पॉजिटिव नॉलेज वो गेन करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप लोग जितनी ज्यादा पॉजिटिव नॉलेज गेन करोगे उतना ही आप आगे बढ़ोगे, मैं पहले लिख के बता रहा हूं। तो ठीक है, मैं देखो, हम लोग की यूनिवर्स की शुरुआत कहां से हुई थी? बिग बैंग, क्या बोलते हो आप? बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग, एग्जैक्टली, राइट? तो बिग बैंग बेसिकली क्या बोलता है, अब हम लोग देखेंगे कि यूनिवर्स के ऐसे कौन कौन से फेज थे, राइट, शुरुआत से लेकर अब तक, जिसको हम लोग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, राइट? जैसे बिग बैंग हो गया, इसके बाद हम लोग देखेंगे स्टार्स फॉर्मेशन, स्टार्स बनने चालू हुए, स्टार्स भी बने हैं ना, अगर स्टार्स ना बनता, सन ना बनता, तो क्या आज हम लोग एग्जिस्ट करते? नो सर, नो, इट वाज नॉट पॉसिबल एट ऑल। तो हम लोग देखेंगे कि यूनिवर्स फॉर्म किस तरीके से हुआ है और कौन कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट फेजेस से वो बेसिकली उसने फेजेस से गुजरा है, राइट? तो सबसे पहला मैं बोलूंगा बिग बैंग। बिग बैंग को हम लोग बोलते हैं कि जहां से हमारा यूनिवर्स क्रिएट हुआ है, राइट? उसको बोलते हैं हम लोग बिग बैंग। तो बिग बैंग से पहले हम लोग की एक थ्योरी है, ऐसा नहीं, ऐसी थ्योरी बहुत सारी है, राइट? एक थ्योरी है कि हमारा यूनिवर्स बहुत ज्यादा स्मॉल था, बहुत ज्यादा स्मॉल था, जितना हम लोग इमेजिन
जितना हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते उतना उतना स्मॉल था। उसके बाद यूनिवर्स का एक्सपेंड करना चालू किया। हम लोग बिग बैंग को ऐसे सोचते हैं, कैसे, एक ब्लास्ट की तरह बूम, ऐसा नहीं है। इसको आप लोग कभी भी ब्लास्ट की तरह इमेजिन मत करो, इसको इमेजिन करो एक्सपेंशन ऑफ स्पेस एंड टाइम, कुछ इस तरीके से कि गेस करो आपके पास पानी कितनी बड़ी बूंद है, ठीक है, और एकदम से बढ़ने लगा पानी। समझ में आया कि एकदम से पानी बढ़ने लगा, आपने कहा ये हो कैसे रहा है, कि हो क्या रहा है, ठीक है, बस वही एक्सपेंशन। तो बिग बैंग बेसिकली एक एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स है। इसके पहले क्या था, अभी तक ये बिल्कुल किसी को कोई आइडिया नहीं है। इसके पहले क्या था उसके उसके बारे में थ्योरी है कि ठीक है, वो थ्योरी हम लोग बताते हैं कि बेसिकली कई थ्योरीज हैं। एक तो जो मैंने आपको बताया कि इसके पहले कुछ भी नहीं था, केवल वो एक यूनिवर्स हमारा एक बहुत ही स्मॉल यूनिवर्स था हमारा, राइट। और भी थ्योरी है, अलग अलग थ्योरी है, मैं आप लोगों को बताऊंगा कभी बहुत ही अच्छे से, ठीक है, कभी डिस्कस करेंगे, राइट। तो हम लोग यहां से बेसिकली बॉर्न हुआ यूनिवर्स, ठीक है, इसको बोलते हैं यूनिवर्स बॉर्न हो गया, बिग बैंग, ठीक है। उसके बाद हमारा हुआ स्टार्स फॉर्मेशन चालू हुआ। क्या फॉर्मेशन चालू हुआ? स्टार्स का, तारे बनने चालू हुए, ठीक है भाई। यूनिवर्स बेसिकली हुआ क्या, यूनिवर्स बना। यूनिवर्स बनने के बाद पहले बहुत ज्यादा हॉट था, धीरे 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 कूल हुआ मिलियंस ऑफ इयर्स में। कूल होने के बाद क्या हुआ, हमारे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनना चालू हुए, राइट। हम लोगों के एटम्स बनने चालू हुए। जब एटम्स बनने चालू हुए तब बेसिकली सबसे एटम्स में सबसे ज्यादा सिंपल एटम कौन है, कौन सा है, किसका है? इलेक्ट्रॉन नहीं, इलेक्ट्रॉनिक एटम्स की मैं बात कर रहा हूं, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सॉरी सर, एग्जैक्टली है ना, हाइड्रोजन है। उसके बाद मैं बोलूंगा हीलियम है। तो बेसिकली मोस्टली केवल हाइड्रोजन बना, बहुत ही कम वैल्यू में, बहुत ही कम मतलब क्वांटिटी में हमारा हीलियम भी बना, बहुत कम। और उसके बाद हाइड्रोजन हीलियम लिथियम जो बना वो बिल्कुल ही कम, लगभग नेग्लिजिबल बना, राइट। तो ऑफ कोर्स देखो ध्यान से, ये हमारा प्रोटॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये मिल गए, हाइड्रोजन बन गया। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो अगर हाइड्रोजन के जो आइसोटोप्स होते हैं, आपने आइसोटोप्स पढ़े होंगे, उसमें होता है न्यूट्रॉन, ठीक है, ड्यूटेरियम बोलते हैं, और इसके बाद बोलते हैं ट्राइटियम। तो हाइड्रोजन में बेसिकली होता, तो ध्यान से देखो, ये प्रोटॉन ये इलेक्ट्रॉन कहते हैं हम मिल जाते हैं, बना देते हैं एटम, बन गया। अब इसमें क्या कुछ सोचने की जरूरत है, राइट। तो जो सबसे सिंपल चीज है वो बन गई हाइड्रोजन। अब क्या हुआ, हाइड्रोजन हम लोग के पास बहुत एक्सेस हो गया, धीरे धीरे हाइड्रोजन बन गया, हाइड्रोजन क्लाउड्स बन गए बहुत बड़े बड़े, राइट। उसके बाद क्या हुआ, ग्रेविटी के कारण जो हाइड्रोजन क्लाउड्स है वो आपस में क्लंप करने लगे, आपस में एक पुल करने लगे एक दूसरे को, ठीक है। अब जब ग्रेविटी ने उसको खींचना चालू किया, उसके बाद न्यूक्लियर फ्यूजन चालू हो गया, ठीक है भाई। उसके बाद फ्यूजन चालू हो गया, ठीक है, जिससे हमारा क्या बॉर्न हुआ, स्टार्स। क्लियर? यस सर। ठीक है, अब आप बोलोगे सर वो आएंगे तो आराम से आएंगे, आराम से नहीं ना, काफी दूर से आएंगे, ठीक है। जब आएंगे तो उनकी स्पीड इतनी ज्यादा हो जाएगी ना, उनकी स्पीड, कि वो जब भी कोलाइड करेंगे, जब भी एक दूसरे से कोलाइड करेंगे तो बेसिकली फ्यूजन करने लगते, इतनी ज्यादा एनर्जी हो जाती है वहां पर। क्लियर? ठीक है, हाँ। अब हमारे स्टार बनने लगते हैं। यस सर, स्टार्स का फॉर्मेशन होने लगता है। अब जब स्टार बनने लगे, आप लोगों को आइडिया होना चाहिए, स्टार बनने लगते हैं तो उसमें न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, ठीक है। जो न्यूक्लियाई होते हैं वो एक दूसरे से फ्यूज करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, उससे एनर्जी मिलती है उसको। आप लोगों ने न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में पढ़ा होगा बचपन में, ठीक है। न्यूक्लियर फ्यूजन होने लगा, होता क्या है, जब हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलता है तो वो हीलियम बनाता है। क्लियर? अब इसमें हीलियम भी बनने लगा ढेर सारा।
हीलियम फिर हाइड्रोजन से मिलता है, लिथियम बनने लगा, ऐसे और भी मिलने लगे, तो बेसिकली हैवी हैवी आइटम्स बनने लगे, कार्बन बनने लगे, ऑक्सीजन बनने लगे, नाइट्रोजन बनने लगे, जितने भी आगे के एलिमेंट्स है सब बनने लगे, आयरन तक, कहां तक बना ये आयरन तक, आयरन तक, ठीक है। अब बोलोगे सर आयरन के ऊपर क्यों नहीं बना, आयरन के ऊपर भी तो होता है। बेसिकली होता क्या है कि जब दो एटम आपस में फ्यूज करते हैं तो एनर्जी हम लोगों को मिलनी चाहिए। बेसिकली आयरन से पहले वाले जो भी दो एटम फ्यूज करते हैं आयरन से पहले, तो वो बेसिकली आयरन बनाने तक, आयरन बनाने तक हम लोगों को एनर्जी मिलती है, बेसिकली उसमें से एनर्जी निकलती है। लेकिन आयरन के बाद क्या होता है ना, आयरन के बाद जब न्यूक्लियाई फ्यूज करता है तो वो एनर्जी लेने लगता है, समझ रहे हो, उसको फ्यूज करने के लिए एनर्जी चाहिए। तो स्टार्च नहीं चाहता है, स्टार्च नहीं चाहता है कि उसको बेसिकली फ्यूज होने के बाद एनर्जी देनी पड़े उसको, उल्टी, तो वो क्या करता है, मैक्सिमम आयरन तक ही हमारा क्या बनता है उसके अंदर, फ्यूजन के बाद जो हमारा एलिमेंट बनता है, ठीक है। यस सर, ठीक है। तो अब जैसा कि टाइम हो रहा है तो आखिरी में मैं आप लोगों को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा जो आप लोगों ने शायद कभी ना सोचा हो। पता है जितने भी एटम्स स्टार्स के अंदर फॉर्म हुए ना, जितने भी एलिमेंट्स फॉर्म हुए, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, हाइड्रोजन तो पहले ही फॉर्म हो गया, ठीक है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, ये सब चीजें, कार्बन, बेसिकली हम लोग कार्बन और ऑक्सीजन से बने हैं, वो सब स्टार के अंदर बने हैं। तो अगर देखा जाए ना तो हम लोग स्टार्स हैं, समझ में आया कि नहीं आया, सीरियस वे में है। आप बोलते हो ना हम, मुझे टच करना है स्टार्स को, अपने आप को टच कर लो, जो भी चीज ये है ये सब स्टार्स के अंदर बनी है। किसके अंदर बनी है, स्टार्स के, स्टार्स के अंदर, ठीक है, बस हाइड्रोजन को छोड़कर, ठीक है। तो बेसिकली सारी चीज जो आप टच कर रहे हो, अपने आप को भी टच कर रहे हो, हम लोग स्टार डस्ट से बने हैं, स्टार डस्ट मतलब स्टार की वजह से, समझ में आया कि नहीं आया, स्टार के अंदर हम लोग बने, पार्टिकल्स ऑफ स्टार, क्लियर हुआ, यस सर, यस सर। बस इस चीज को सोचना और उसी तरह एक्ट करना आज के बाद, ठीक है, स्टार्स की तरह, यस सर, ओके। तो यहाँ पर स्टार फॉर्मेशन के बाद और भी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, स्टार डाई भी करता है, वो मैं नेक्स्ट सेशन में देखते हैं, राइट, ठीक है, यस सर, ओके, बाय बाय, टेक केयर, आप लोग ख्याल करना और घर में परेशान मत करना मम्मी पापा को, थैंक यू सर, राइट, ओके, बाय, टेक केयर, थैंक यू, बाय, थैंक यू सर, ऑलवेज वेलकम, बाय, बाय सर, बाय सर, थैंक यू सर, ओके, ऑलवेज वेलकम सर। हाँ सर, ये ना 2 साल है ना, मतलब ना ये हफ्ते में 3 ही दिन होंगे, आप लोगों को शेड्यूल मिल जाएगा जैसा भी होगा, अभी इनिशियली हाँ 2 या 3 दिन होगा, उसके बाद बेसिकली उसके बाद हम लोग इसके बाद फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, ठीक है, अभी इनिशियली हो सकता है, अभी इनिशियली थोड़ा सा कम भी हो, ठीक है, उतना ना उतना फ्यूचर में होगा, तो ठीक है, फिर जैसा भी रिक्वायरमेंट होगा हम लोग की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, ठीक है, ओके सर, ओके, आप लोग ख्याल रखना अपना, खाते पीते रहना, ठीक है, थैंक यू सर, यस सर, ओके, बाय बाय।